फ्रेंड्स, आज पापा की परी का जन्मदिन है और मम्मी की लाडली का जन्मदिन है। तो सुदीप और सुप्रीता की लाडली दीपशिखा का जन्मदिन है। बहुत प्यारा सा ये दिन है, इस दिन को हम बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दीपशिखा तो अपने खाने पीने में व्यस्त है, मेरे पास काम है, क्योंकि आपको पता ही है बर्थडे में डेकोरेशन तो ज़रूरी ज़रूरी है। तो वो तो अपना बिल्कुल ही मतलब इधर उधर घूम रही है, क्योंकि उसको तो कोई टेंशन नहीं है। बच्ची है, छोटे बच्चे होते हैं कोई टेंशन होती ही नहीं है, सारी टेंशन जो बड़े होते हैं उन्हें होती है। तो ये देखिए, आज मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ। सो माय डियर लव, मैं बोलूँगी आपको। तो माय डियर लव, हैप्पी बर्थडे बेटा। मेरा आप बोलो थैंक यू मम्मी। डियर फ्रेंड्स, अभी दीपशिखा के पूरा मतलब डेकोरेशन मैं अभी करने वाली हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जून मई का महीना इतना गर्मी वाला है। सुबह के 8:30 का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी। देखिए मेरे मुंह में पसीने दिख रहे हैं आप। अभी जस्ट मैं नहा के आई हुई हूँ, फिर भी इतनी गर्मी है। तो चलिए अब मैं डेकोरेशन अपने घर का स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि शाम को थोड़ा सा छोटा सा पार्टी करूँगी, तो उसी के लिए डेकोरेशन मैं कर लेती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे वो जो गुब्बारों की पूरी डेकोरेशन के लिए वो बनाते हैं ना, एक आर्ची सी बनाते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ यहाँ पे। ये डेकोरेशन का सारा सामान मैंने आपको बताऊँगी, मैं मीशो से मंगाई थी ऑनलाइन, कुछ दिन पहले ही मंगा के रख ली थी, फिर डेकोरेशन के टाइम तो काम आता ही है। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ, मैं भी डेकोरेशन वाली मास्टर बन गई हूँ, जैसे कि बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं ना, उसकी मास्टर बन गई हूँ। मैं भी अरेंज कर सकती हूँ बर्थडे पार्टी वगैरह, कोई भी इतना सुंदर बढ़िया सजाती हूँ। एवरीवन, देख रहे हैं मेरी हालत। मैंने मतलब बर्थडे की डेकोरेशन सारा कंप्लीट कर लिया है, जितना मेरे था, जितनी मेरी स्ट्रेंथ थी, जितना मेरे पास पावर थी, मैंने अपनी पावर यूज़ करके बर्थडे पार्टी का सारा कर लिया। देखिए मैंने रूम में एक ये चार्ट लगा दिया, और एक इसी रूम में मैंने एक ये चार्ट लगा दिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, रूम में तो जहाँ पर मैं सोती हूँ वहाँ पर मैंने चार्ट ही लगाया है, और अदरवाइज़। तो डियर फ्रेंड्स, ये है मेरी डेकोरेशन, देखिए। हैप्पी बर्थडे टू दीपशिखा। ज़रूर बताइए मुझे ये कैसी है डेकोरेशन, अच्छी लगी आपको? तो अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद मैं मार्केट जाने वाली हूँ। मार्केट जाके लेके आऊँगी दीपशिखा का केक, और वो भी जो भी आइटम्स होते हैं खाने की वो लेके आऊँगी, और गेस्ट मेरे जो आएंगे देखते हैं।
छोटी सी पार्टी ही करने वाली हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं करने वाली हूँ मैं। तो फिलहाल तो डेकोरेशन का काम कंप्लीट हो गया। मेरे पैर बहुत दुखने लग गए हैं, मेरे पैर इतने दुखने लगे हैं, और डेकोरेशन करके मज़ा भी मुझे बहुत आया। पहली बार मैंने ऐसी डेकोरेशन की है, नहीं तो मैंने नहीं की है ऐसी डेकोरेशन। डियर फ्रेंड्स, थक गई हूँ और एनर्जी मेरी डाउन हो चुकी है, तो सोचा चलो माजा लेके थोड़ा सा एनर्जी को वापस गेन किया जाए, क्योंकि अभी मार्केट भी जाना है, बाहर इतनी ज़्यादा धूप है। देखो मेरे पूछते हम दोनों से एक मम्मी अपने मुझे बहुत थक गई बेटा, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। खत्म भी हो गई। Thank you.